गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो आज SIO ऑफिस जाना है और दो तीन चीज़ें मुझे लेकर जानी है, फोटोकॉपी। सबसे पहले अभी तो मैं सो के उठाऊँ, बहुत थक चुका था मैं रात, जिसकी वजह से पड़ते ही नींद आ गई नहाने के बाद। और बात अब ऐसी है कि दो तीन फोटोकॉपी जो मुझे लेकर के जानी है SIO ऑफिस में। तो अभी मैं सबसे पहले नहाने जा रहा हूँ, फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा, उसके बाद नाश्ते का प्रबंध करते हैं, फ़ोन का तब तक चार्जिंग पे लगाऊंगा, और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा SIO ऑफिस के लिए। यहाँ पर फोटोकॉपी की जो दुकानें हैं वो 10 बजे के आसपास खुलती हैं, तो और 10 बजे वहाँ पर मुझे बुलाया भी है, तो देखता हूँ यार फोटोकॉपी किस तरह से हो पाएगी। तो अभी के लिए गुड मॉर्निंग सभी को, और मिलते हैं रेडी होने के बाद, फिर चलते हैं नाश्ता वाश्ता करने के लिए, ठीक है भाई। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं आया हूँ नाश्ता करने के लिए, और देख लो सारी दुकानें यहाँ पे बंद पड़ी हुई हैं। तो सारी दुकानें यहाँ पे बंद पड़ी हुई हैं सुबह 8 बजे, जैसा मैंने आपको बताया कि सुनने में है कि 10 बजे के आसपास दुकान खुलेंगी। उधर मेरे को भीड़ सी नज़र आ रही है, मैं जाके देखता हूँ क्या है, फिर बताता हूँ। नाश्ते का तो ये हुआ यार कि अभी जाके और वापस आ गया मैं, बहुत दूर गया लेकिन सारी दुकानें अभी बंद थी वहाँ पर। अब मैंने डिसाइड किया है मैं बैग लेकर जाऊंगा रेलवे स्टेशन के आसपास तक जाऊंगा मैं, क्योंकि वहीं से ऑटो मिलेगा आलमबाग के लिए, तो वहीं नाश्ता करूंगा। स्टेशन पर बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी, नाश्ता करूंगा वहां पर, उसके बाद फिर मैं सीधे निकल जाऊंगा आलमबाग के लिए SIO ऑफिस। तो सुबह सुबह नाश्ता कर नहीं पाया, अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब 8:30, और 9 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। फाइनली आलमबाग के लिए निकल गया हूँ और देख लो यहाँ के नज़ारे। चलो एक खूबसूरत दृश्य दिखाता हूँ भाई तुम्हें, चारबाग स्टेशन का देखो। तो भाई ऑफ ट्रैक हो चुके हैं, रिक्शे वाले ने उतार दिया था, करीब 1 किलोमीटर पैदल आगे चल चुके थे रोड पे, और अब देख लो पूरा जंगल सा है यहाँ पे। जो भी जॉइनिंग के लिए आने वाला है उसको इधर से ही गुजरना पड़ेगा SIO ऑफिस जाने के लिए। बहुत लंबा जा रहा है, अभी मैंने देखा था गूगल मैप पर, तो काफ़ी लंबा ट्रैक है यार। तो भाई फाइनली 2 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ SIO ऑफिस पे। ताला लगा हुआ है, कोई है तो है नहीं, बच्चे आ भी रहे हैं, कुछ खड़े भी हैं, सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे आने के बाद। तो यार अभी सुनने में आ रहा है कि आधे घंटे बाद आएंगे ऑफिसर्स वगैरह, उसके बाद देखते हैं कि यहीं पर पास मिलेगा या फिर ये कहीं और पास दिलाने के लिए भेजने वाले। तो तब तक मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पर ना इंट्रो कर लेता हूँ, और जब कागज़ी कार्रवाई हो जाएगी यहाँ से तो बताता हूँ कि पास मिलेगा या मिल चुका है, मिलते हैं। तो भाई सीन अभी के ये हैं कि डॉक्यूमेंट तो सबमिट हो चुके हैं और SIO ऑफिस पीछे छूट गया अभी, और हम जा रहे हैं डीजल शेड में, और वहाँ से मिलने वाला है हमें पास, जो कि हमारी एंट्री कराएगा चंदौसी में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो अभी हम जा रहे हैं, काफ़ी जंगल का एरिया है जैसा मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो ठीक है यार, बेहद खुशी सी हो रही है, अभी तक से जाएंगे, देखता हूँ कोई ट्रेन मिल जाएगी टाइम से मेरठ तक की या दिल्ली तक की, गाज़ियाबाद तक की, तो उसमें निकल जाऊँगा मैं। तो अभी जा कर के पास ले लिया जाए पहले, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। डीजल शेड ऐसा दिख रहा है भाई, देख लो मस्त है यार, बहुत सारे इंजन है, मज़ा सा आ रहा है यहाँ पर आने के बाद तो। भाई पास तो हमें मिल गया है, अभी ट्रेन पर जाने की जस्ट देर है, और यहाँ हम सभी नाश्ते के लिए बैठ गए हैं क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में जा नहीं सकते, पास जो है वो गीला हो जाएगा। पास बेसिकली इन्होंने दिया है, एक पास के ऊपर 3-3 बंदों के नाम लिखे हुए हैं, सभी ने एक दूसरे से फ़ोटो क्लिक कर ली है बेसिकली,
लेकिन वो पास जो है वैलिड है। तो अभी जब बारिश बंद हो जाएगी अपन भागेंगे और देखते हैं यार, अपना स्टाफ चलाएंगे। तो मैं बैठ जाता हूँ फिलहाल यहाँ पे जहाँ मेरा बैग रखा हुआ है, इधर चल रहा है बहुत बड़े वाला फ़ैन, और अभी बारिश बंद होने के बाद चलते हैं। भाई वो ट्रेन है सामने, वो ट्रेन पकड़नी है लेफ़्ट साइड में, ये वाली येलो वाली दिख रही है तुम्हें, ये ट्रेन पकड़नी है। ये रह गए भाई 2-3 मिनट रह रहे हैं बस, मैं बस अब पहुँचा, पहुँचने के बाद बनाऊँगा वीडियो। तो भाई पहला हम पहुँच गए थे ट्रेन के डिब्बे के पास, बोले तो एक्चुअली इंजन के पास। इंजन के पास जाने के बाद हमको गार्ड रूम मिला, हम उसमें बैठ गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि उससे पहले एक डी डब्बा लगा हुआ था जो बिल्कुल खाली था, जैसे जनरल होता है वो खाली हो गया था, और हम उसमें आके लपक गए। अभी क्या है कि बिल्कुल सीट खाली है सारी की सारी, और मैं इसमें फैल के जाने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरा फ़ायदा उठाएंगे, लेट के जाएंगे मज़े से। डिब्बा एकदम खाली है, एकदम कोई भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है। ये जिसके पैर अभी तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये सामने वाला बंदा, ये जो है अपने ही साथ के ग्रुप का है, सो रहा है फ़िलहाल, इसका भी हो गया तो ये भी अपने साथ जा रहा है। ये जाएगा मुरादाबाद तक और मैं साथ में जाने वाला हूँ इसके मुरादाबाद। तो भाई मज़ेदार रहा पूरा दिन, और आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए कमेंट करके, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।